हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है फूड फॉर द साउल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर अभी नया आया है तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करो। तो करते हैं हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले मंचूरियन बनाने के लिए चाहिए हमें वेजिटेबल्स। तो इसके लिए मैंने ली है, तो इसके लिए जो वेजिटेबल्स चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। हमें चाहिए एक मीडियम साइज की पत्ता गोभी, तो हम इसमें डाल रहे हैं। पत्ता गोभी जो है इसमें ट्रांसफर कर दी है। और हमें चाहिए 100 ग्राम बीन्स, ये मैं इसमें डालने जा रही हूँ। चम्मच के करीब हमने नमक इसमें डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हमने एक मलमल का कपड़ा लेना है और इसमें डाल के मिक्सर का पानी जो है निकाल देना है अच्छी तरह से। देखिए डालने जा रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने मलमल के कपड़े में ये डाल लिया है मिक्सचर और हम इसका पानी जो है निकालेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हम इसका पानी जो है निकाल देंगे। ये पानी आपको पहले ही निकाल लेना है। मैंने ये सब सब्जियों को एक बार ये कद्दूकस किया है, तो आपने सबसे पहले इन सब्जियों को कद्दूकस ही कर लेना है, बारीक पीस लेना है इसे। तो देखिए इस तरह से हमने पानी जो है निकाल लेना है और जो मेरा बाकी बचा हुआ मटेरियल है उसे भी मैं इसी तरह मलमल के कपड़े में डाल के पानी जो है अच्छी तरह से निकाल दूंगी। लेंगे और हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी गोलियां हैं वो अच्छी तरह से बन सके। तो देखिए हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ से। गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए ये ताकि हमारी अच्छी तरह से गोलियां जो है बन सके। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स से कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इसे हाथ में लेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर। देखिए जैसे मैंने ये लिया है गोली बनाएंगे। देख सकते हो इस तरह से हमने गोलियां बना लेनी है सारी। ऐसे ही हम और बना लेंगे, छोटी छोटी ही बनानी है हमें, होल्स बना लेनी। देख सकते हो इस तरह
तरह से बॉल्स जो है हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हो आप, ये सारी बॉल्स जो है मैंने रेडी कर ली है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने कढ़ाई में जो ऑयल है ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसे गैस ऑन करके गर्म करेंगे। तो करते हैं हम गैस को ऑन। तो ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं 5 मिनट के लिए। वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो डालते हैं हम अपने बॉल्स इसमें। थोड़ा सिम पे कर लेंगे गैस। डालते वक्त हमेशा सिम पे रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स बॉल जो है हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम गैस अपना हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे होने देते हैं। हाई फ्लेम पे ये अच्छी तरह से पक जाते हैं और इसमें कोई कच्चा नहीं रहती, तो इसलिए हमेशा हाई फ्लेम पे ही पकाना चाहिए। तरह से तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी जो बॉल्स है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। वो देख सकते हो आप। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसे छानने में निकाल लिया है। अब हम इसे जो इसका बीच का जो घी है इसमें वो हम निकाल देंगे। धीरे से ये निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमारे जो और बॉल्स हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। बनाने जा रहे हैं हम अपनी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए हमने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम गैस को थोड़ा स्लो पे कर लेते हैं। तो हम इसमें डालते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेंड्स करते हैं हम इसे थोड़ा फ्राई ताकि इसके बीच की जो कच्चाई है वो निकल जाए। फ्लेम पर कर लेना है अभी और इसे होने देते हैं थोड़ा सा। तो जब भी ये ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल देनी है। तब तक हम इसे फ्राई करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए ये ब्राउन होने लगा है अभी। तो अब हम डालेंगे इसमें अपनी वेजिटेबल्स। तो इसमें डालेंगे हम स्प्रिंग वाला अनियन, वो हमने बारीक चॉप्ड कर लिया है, और शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड, और गाजर। ये सारी सब्जियां हम इसमें डालने जा रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह से ले लेनी है। देख सकते हो सब्जियां जो है हमने ले ली हैं। अब हम थोड़ा इसे फ्राई करेंगे। ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, कच्ची ना रहे ये। आप इसमें स्प्रिंग ऑनियन का ही यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे जो है स्वाद दुगना हो जाता है। देखिए 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो वेजिटेबल जो है हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो
जानते हो जब भी हम चाइनीज बनाते हैं तो सॉसेस उसमें डलती ही हैं, तो हम डालने जा रहे हैं इसमें अपनी सॉस। तो सबसे पहले लेंगे हम ग्रीन चिल्ली, तो इसे डाल देंगे थोड़ा सा। देखिए लिटिल बिट हमने डाल दी है, आपने हिसाब से अपने डाल लेनी है। मैंने एक चम्मच या ऊपर थोड़ी सी और डाली है उसके। तो सोया सॉस ले लेनी है हमने थोड़ी सी, और इसमें डाल देनी है। आपको अगर ज़्यादा ब्लैक काला पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, मेरे को कम पसंद है तो मैंने कम डाली है। तो इसके बाद लेते हैं हम रेड चिल्ली, तो लगभग एक चम्मच के करीब हमने इसमें डाल लेनी है। देखिए हमने डाल ली, तो इसके बाद हमने लेना है लिटिल बिट ऑफ वाइट सिरका। तो देखिए फ्रेंड्स लिटिल बिट हमने ले लिया है और इसमें डाल देना है हमने। तो इसके बाद हमने लेनी है सॉस, टमाटो केचप, रंग जो है बढ़ने लगा है। तो फ्रेंड्स हम इसमें नमक डालना जो है भूल गए थे, तो अभी हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स अब डालने जा रहे हैं हम इसमें नमक, तो डालते हैं हम, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने करीब 1/4 चम्मच के करीब ले लिया है नमक, और मैं इसमें ऐड करके अब मिलाने जा रही हूँ। हमने मिक्स कर दिया नमक इसमें। तो अब हम लेंगे वाटर, तो ग्रेवी के लिए हम वाटर ले रहे हैं। अगर आप ड्राई करना चाहते हैं ग्रेवी को तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं पानी, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हो तो उसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हो। तो अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें वाटर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो वाटर जो है मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। इसे उबाला आने देते हैं। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर लेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हो ग्रेवी में हमारे उबाल जो है आ चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर थोड़ा सा इसमें कॉर्न फ्लोर मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है, और इसे पानी में धो लिया है, और इसकी स्लरी जो है मैंने बना ली है। तो अब हम धीरे धीरे इसमें स्लरी डालेंगे और ये गाढ़ा होता चलेगा। देखिए स्लरी मैंने थोड़ी सी डाली अभी, हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसमें गाढ़ापन अभी से आना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें और डाल लेते हैं, तो सारी मैंने ऐड कर ली। तो फ्रेंड्स देख सकते हो स्लरी जो है हमने डाल ली है, अब इसमें उबाल जो है आना स्टार्ट हो गया है, ग्रेवी जो है धीरे धीरे हमारी गाढ़ी हो रही है। अच्छी तरह से आ चुका है, तो इस स्टेज पर हम इसमें अपने बोल्स जो है ट्रांसफर कर देंगे। अभी हम धीरे से डाल रहे हैं, तो बोल्स जो है हमने इसमें डाल दिए। फ्रेंड्स थोड़ी सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो है हम इसमें ऐड कर देंगे।
बाल आने देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पोल्स में रम जाए। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डालने जा रहे हैं स्प्रिंग अनियन जो हमने बारीक चॉप्ड करके रखा है, तो अब हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। बारीक चॉप्ड धनिया भी हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो मंचूरियन जो है ग्रेवी वाला वो अभी बनकर रेडी हो चुका है। करते हैं फ्रेंड्स सर्व। ग्रेवी मंचूरियन जो है रेडी हो चुका है, नजदीक से आपको शो कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। रुको, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा मेरा सपोर्ट करो। बाय बाय।